धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। जी हाँ, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति हम आज ही अधिक सजग हैं, ऐसी बात नहीं। सदियों पहले भी स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ रहा है विचार, यह हम जानेंगे आज भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने इस प्रभाग में। भारतीय ज्ञान विज्ञान के कई आयाम प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर जीवन को स्वस्थ व समृद्ध बनाने में मानव मात्र के लिए अत्यंत उपादेय सिद्ध होते रहे हैं। चाहे बात आयुर्वेद की हो या फिर हो बात भारतीय परंपरा में धन्वंतरी को स्वास्थ्य व समृद्धि के प्रतीक भूत देव के रूप में मानने की। वस्तुतः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती अनेक प्राचीन ज्ञान परंपराएं हमारे सामने आज भी जीवंत हैं और पुरातन अद्यतन व अधुनातन स्वरूप में अपनी उपादेयता को सिद्ध करती चली आ रही हैं। प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण के साथ स्वास्थ्य को लेकर आधुनिक व चिर परिचित विचारों के बीच का सामंजस्य भी अब आधुनिक समय की मांग है, यह सर्वविदित है। स्वास्थ्य हम सबका मौलिक अधिकार है। भारतवर्ष में पहले से ही भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सर्वे संत निरामया की अवधारणा की गई है। यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ यह भी कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम हितम। इसलिए शरीर को साधने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमारे यहाँ विविध उपायों की कामना की गई है। यह भी कामना की गई है कि हम 100 वर्ष तक जिए, जीवेम श्रद्धा सतम। 100 वर्ष तक जीने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना होगा। निस्संदेह सदियों से स्वास्थ्य को लेकर मानव मात्र गंभीर रहा है। इसके लिए आयुर्वेद, योग और व्यायाम जैसे कई प्रकल्पों का प्रयोग कर आज का समाज भी उतना ही लाभान्वित हो रहा है जितना इन सभी प्रकल्पों के आरंभिक काल में तत्कालीन समाज होता रहा होगा। इसलिए ही समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ होने की परिभाषा के अतिरिक्त व्यायामाल लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, इन जैसी चरक सुश्रुत आदि संहिताओं की अनेक सुप्रसिद्ध सूक्तियां जिनमें स्वास्थ्य के हर वे सूत्र विद्यमान हैं जिनका परिपालन कर अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर जीवन के सर्वार्थों का मर्यादित रूप में उपभोग करता हुआ जीवन के लिए निर्धारित पुरुषार्थ परक लक्ष्यों की सिद्धि कर सकता है। इसी क्रम में भला नाड़ी चिकित्सा को कौन विस्मित कर सकता है। 7 चक्र सबसे प्रमुख है, इसलिए कि ये 7 चक्र जो है सबसे मेजर नाड़ी है। 3 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों में 3 सबसे प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है आपका स्पाइन एरिया में ऐसे डबल हेलिक स्ट्रक्चर जैसा इड़ा पिंगला है और सुषुम्ना सीधा है, ये तीनों जब क्रॉस करते हैं, एक साथ होते हैं, तब एक मुख्य चक्र प्रमुख चक्र होता है। वस्तुतः जीवे मा शरदः शतम् अर्थात 100 वर्षों तक की स्वस्थ व समृद्ध जीवन की मानवीय अभिलाषा को हम प्रतीक रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारभूत ग्रंथों में, शास्त्रों में उपनिबद्ध पाते हैं। निस्संदेह साधारण रोगों और अनेक भयंकर व्याधियों के आधुनिक दौर में भी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आयुर्वेद व योग के कई प्रकल्पों के साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान की महनीय परंपरा को उसकी अतुल्य उपादेयता के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। नारायण दत्त मिश्र, DD News।